परसों ही मैं भरतपुर में एक कार्यक्रम में था, आज यहाँ यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम है और यहाँ सारे हमारे जयपुर में जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ कुछ देर बातचीत हुई है, संवाद हुआ है। स्वाभाविक है कि लोकदल जो राजस्थान में पुरानी स्थापित पार्टी है, एक पहचान है किसानों के बीच, और जो लोग चौधरी चरण सिंह जी के कामों को, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनके बीच आज भी पहचान वो जिंदा है। और लोकदल का हर एक आदमी चाहता है कि लोकदल का चुनाव चिन्ह यहाँ जगह जगह तक पहुँचे और उम्मीदवारों का अच्छा चयन हो, कम समय में हम लोग चुनावी मैदान में उतरें और जीतें। जैसा आपने पूछा अलायंस की बात, तो हम कांग्रेस के सहयोगी दल रहे हैं पूरे 5 साल। सरकार पे कोई हमने सवाल नहीं होने दिया, स्थिर सरकार को रखने में हमारे जो एक विधायक थे उनकी बड़ी भूमिका थी और हमारे कार्यकर्ताओं, प्रदेश संगठन की भी अपनी भूमिका थी कि यहाँ कोई भी अस्थिरता ना आ पाए। पूरे 5 साल सरकार चली है। बधाई देता हूँ अशोक गहलोत जी के सदारत में, उनकी देखरेख में बहुत जन लाभकारी योजनाएँ उन्होंने की शुरुआत की है। आज यहाँ जयपुर में चिरंजीवी योजना के संबंध में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। यूनिवर्सिटी में मैं देख रहा था एम्बुलेंसेस की एक लंबी लाइन है जो आज डेडिकेट होंगे स्टेट के लिए। तो बड़े अच्छे काम किए। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ बड़ा दल है, कि जो छोटी पार्टियां हैं और जो सहयोगी दल हैं उनको साध के कांग्रेस चले और इंडिया के जो घटक दल हैं उनको भी महत्व दे और दोबारा जीत के आए। देखिए सीटों की बात मैं बड़े खुले विचार से आपको कह रहा हूँ, सीटों की अभी कोई बात हमने नहीं की है और कांग्रेस को हमें करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इज द लार्जर पार्टी, कांग्रेस को डिसीजन लेना है। हम कोई अनरीजनेबल डिमांड तो नहीं करेंगे, जहाँ हमारी क्षमता है, जहाँ हमें उम्मीद है कि अच्छे उम्मीदवार के साथ हम उतरे, तालमेल बना के उतरे तो लोकदल जीत सकता है, वही सीट हम मांग रहे हैं। तो कोई अनरीजनेबल हमने कोई अमाउंट, कोई ऐसा कोई फिगर नहीं दिया है कि आप हमें पूरे राजस्थान में दीजिए या हर जिले में सीट दीजिए, वो स्थिति नहीं है।